तो खराब होने के चांसेस रहेंगे, स्पेशली अगर आप न्यू है तो, अभी न्यू है तो। टैटू निडल की इंफॉर्मेशन, जानकारी होना, पुख्ता जानकारी होना उतना ही जरूरी है जितना कि एक पेंटर को अपने ब्रशेस की, कहाँ पे कौन सी निडल यूज होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके काम करने के तरीके हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे टैटू निडल्स के बारे में, कितनी तरह की होती हैं, उसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं और उस पर क्या क्या आता है। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो टैटू निडल की सारी इंक्वायरी आपके मन से हट जाएगी। सबसे पहले टैटू निडल जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक होती है आपकी ट्रेडिशनल जो कि आपने बहुत बार देखी होगी इस तरह होती है, और दूसरी होती है आपकी कार्ट्रिज निडल। कार्ट्रिज निडल आपके मॉडर्न में मैंने फोटो लगा दी है, आप लोग देख सकते हैं दोनों की। सबसे पहले जो ट्रेडिशनल निडल होती है, कार्ट्रिज निडल तो छोटी सी होती है, ट्रेडिशनल निडल में तीन चीजें होती हैं आपके देखने लगे। पहला होता है आपका पिन, दूसरा होता है आपका शाफ्ट जो बॉडी होती है, और तीसरा होता है आपका हुक जिससे आपकी मशीन में लगाया जाता है। इस पर निप्पल रबर लगा दिया जाता है और ये मशीन में फिट होती है। मशीन में कैसे फिट होती है ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है, तो मैं भी फिट नहीं करूंगा अभी, सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ निडल्स के बारे में, प्रैक्टिकली अभी मैं लगा के नहीं दिखाऊंगा। ये इस तरह की पैकेजिंग में आती है, और इस तरह की पैकेजिंग में आपके एक नंबर दिया रहता है, ये इसको पढ़ के आप जान सकते हो ये निडल के इसके मतलब क्या है। इस नंबर को समझने के लिए आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी सबसे पहले इसकी जो है तो लंबाई क्या है, इसके हेड की लंबाई क्या है, क्या होता है जो ये आपके सामने होता है, जो सामने का भाग होता है जो ये स्किन पे जाता है, ये भाग की जो लंबाई होती है वो कितनी है। ये लंबाई लंबा भी हो सकता है, लॉन्ग हेड की भी हो सकती है, शॉर्ट हेड की भी हो सकती है, बहुत सारे वेरिएशन में आती है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग वेरिएशन बना के देती हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप किस तरह की वेरिएशन यूज करना चाहते हैं, ज्यादा शार्प चाहिए, ज्यादा आपको वो चाहिए तो आप ज्यादा लंबाई की ले सकते हैं, पर सिर्फ उसी से लंबाई, सिर्फ उसी हेड की लंबाई से आपका शार्पनेस डिटरमाइन नहीं होती कि सिर्फ हेड की लंबाई से आपको टैटू शार्प आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए आपका डायमीटर भी होना चाहिए। तो जो नॉर्मली स्टैंडर्ड जो साइज है वो आपको 1.5 mm है जो कि नॉर्मली आती है, और कुछ लोग 2.0 mm की भी हेड जो होता है लॉन्ग हेड जो है तो यूज करते हैं। दूसरी इसकी होती है लंबाई की तो बात होगी, दूसरी हो गई कि इसका डायामीटर क्या होता है, अगर ये पिंच करेगी जगह तो उसका डायामीटर क्या होगा, उसका डायामीटर हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर उस गोलाई का अगर ये मतलब गोलाई है जितने में पंच करते हो उसका डायामीटर कितना हो सकता है, वो कितने क्षेत्र को घेरेगी, वो जो होती है इसके वेरिएशन पे डिटरमाइन होती है। कि जैसे अगर आप नॉर्मल एक जैसे इसमें पैकेट में आप देखिए इसमें नंबर होता है, नंबर में 10 लिखा रहता है, 10 10 का मतलब होता है कि यह जो है तो 0.30 mm आपका डायमीटर घेरेगी। अगर इसकी जगह पे 0.8 लिखा होता तो ये 0.25 mm, ज्यादा बहुत बड़ी जानकारी नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। और नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं उसमें 12 से स्टार्ट होता है, जैसे इसमें 10 से स्टार्ट है उसमें 12 से स्टार्ट होता है, 12 का मतलब होता है 0.35 mm, वो थोड़ी मोटी होती है, तो 12 मोटी होती है, 10 उससे कम होती है, और 8 जो है 0.8 जो है उससे भी पतली होती है, मतलब बकपिन कहलाती है वो, ये बकपिन ही है, मैं बकपिन ही यूज करता हूँ क्योंकि उससे शार्पनेस अच्छी रहती है, मतलब आपके कर्व्स अच्छे आते हैं, आप कोई भी चीज़ कहेंगे तो बिल्कुल शार्प आएगा। तो आपका डायामीटर आपका हेड से आपकी डिजाइन की कर्वनेस डिटरमाइन होती है कि कैसे आएगी, कैसा उसका हील होगा। दूसरी जो चीज होती है इसमें कि आपकी वेरिएशन क्या होता है। अब पिन को अगर आप इसमें तो दिखेगा नहीं, मैं एक फोटो लगा दे रहा हूं उसमें समझ में आ जाएगा, जो आपका जो निडल होता है निडल एक निडल नहीं होती, एक पिन नहीं होती, एक निडल अगर आपने 3RL लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1005 RL,
10.05 RL। अगर 10.05 RL लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका डायामीटर 0.30 mm है। इसका 5 RL का मतलब क्या है कि इसमें 5 पिन है, 5 पिनों का समूह है, कि एक पिन नहीं है 5 पिन है। और RL का मतलब होता है राउंड लाइनर। राउंड लाइनर क्या है? वेरिएशन। सबसे पहला जो हमारा वेरिएशन है वो राउंड लाइनर होता है। लाइनर होता है जिससे लाइन खींची जाती है, और राउंड होता है क्योंकि ये गोलाई में आपके बनाए गए, इनका जो डायमीटर, इनका जो डिजाइन है गोलाई में। राउंड लाइनर जो है तो कोई भी नीडल जो आती है, उस चाहे कार्ट्रिज हो चाहे ट्रेडिशनल हो, आपका ऑड नंबर में आती है। राउंड लाइनर जैसे भी पहला वेरिएशन है अपना राउंड लाइनर, पहले जो राउंड लाइनर है या आरएस है, इसके बाद जो वेरिएशन आएंगे उस सबका जो ऑड नंबर वो होता है, वेरिएशन होता है कि किस कितनी तरह की आती है, तो ऑड नंबर पे आती है। जैसे राउंड लाइनर वन राउंड लाइनर आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, 9 आएगी, 11 आएगी, 13 आएगी, 15 आएगी, 17 आएगी, मतलब आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो उसको, उस तरह कर सकते हो। ये सिर्फ लाइनिंग के लिए यूज होती है और इसको सिर्फ लाइन के लिए ही यूज करना चाहिए, या डॉट्स के लिए यूज करते हैं। अगर छोटी जगह है और आपको डॉट करना, ब्रशअप करना, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। उसके सिवा राउंड लाइनर का उपयोग ना करें, उससे आपका टैटू खराब होने के चांसेस रहेंगे, स्पेशली अगर आप न्यू है तो, अभी न्यू है तो। दूसरा जो वेरिएशन आता है वो कहलाता है आरएस। आरएस एक शेडिंग की निडिल है, राउंड सेडर बोलते हैं उसको। राउंड सेडर सेम एज राउंड लाइनर की तरह होती है, पर इसमें एक बेसिक डिफरेंस है कि राउंड लाइनर इस तरह होती है तो राउंड सेडर इस तरह होती है। समझ में आ रहा है? ये जब पिंच करेगी तो आपकी लाइन बनेगी, और ये जब पिंच करेगा तो थोड़ा सा मोटा बोल्ड आएगा। इससे बहुत से लोग लाइन भी खींच सकते हैं, पर लाइन में शार्पनेस कम रहती है। ये आपकी फिलिंग, सॉलिड फिलिंग के लिए यूज होता है। छोटी जगहों पे सॉलिड फिलिंग करनी है अगर आपको कलर की, तो वो कर सकते हैं, पैकिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, और सेडिंग के लिए यूज होती है। इसका भी सेम, सारी निडल जितनी भी आती है, ये बात याद रखिए, सारी निडल जितनी भी आती है उन सब में डायामीटर और आपका हेड की लंबाई अलग अलग हो सकती है और सेम हो सकती है। मतलब कोई ये नहीं है कि वेरिएशन चेंज होने की वजह से आपका हेड नहीं मिलेगा, आप जिस हेड को चाहो, जिस डायमीटर का, सब आ जाएंगे, उस सारे वेरिएशन में आते हैं। जो तीसरी आती है वो हमारी फ्लैट निडल आती है। फ्लैट निडल क्या होती है? फ्लैट निडल आपकी, मैं वो डाल दे रहा हूँ, फोटो डाल दे रहा हूँ। फ्लैट निडल आपकी ऐसे होती है, ऐसे बिल्कुल पतली, ऐसे आप 5 फ्लैट अगर यूज करेंगे तो 5 पिन ऐसे होंगे उसके, 5 पिन। और जब 5 पिन आप चलाओगे एक साथ तो किसके लिए यूज होगा? वो आपका, जैसे आप विप करते हो, सेडिंग देते हो, या एक साथ 5 लाइनें आपको दिखानी है कहीं पे, थोड़ा सा अगर झुरियाँ वगैरह देखनी, पोर्ट्रेट्स में झुरियाँ वगैरह दिखानी है, या आप किसी एनिमल का बना रहे हो, या कुछ आप, जैसे आप कोई डिस्ट्रॉट पेंटिंग बना रहे हो, टैटू कर रहे हो डिस्ट्रॉट, तो उसमें यूज होती है फ्लैट निडल। फ्लैट निडल के बाद जो अपनी आती है वो आती है, ये सब सेडर है, सेड में भी यूज होते हैं, सेडिंग में भी यूज कर सकते हैं इसको हम लोग। उसके बाद जो आती है आपकी मैगनम आती है। मैगनम दो तरह की आती है, और मैगनम फ्लैट की डबल होती है। जैसे अगर फ्लैट ये है तो मैगनम ये होती है, दो होती है, दो उसके ऊपर नीचे होती है। अब वो दो आती है, एक आती है जिसके ये बराबर होते हैं, पिंस बराबर होते हैं, और दूसरी जो आती है उसके राउंड होते हैं। मैं फोटो डाल दे रहा हूं, आपको समझने में आसानी होगी। पर वो डबल प्रेसअप के लिए आती है। फ्लैट मैग्नम होती है वो स्टैंडर्ड मैग्नम होती है, वो अपने फ्लैट निडल के जस्ट डबल काम करती है। मतलब अगर आपने एक बार वो किया है, एक बार जो आपका इम्पैक्ट आ रहा है, दो बार इम्पैक्ट में आ रहा है फ्लैट निडल में, तो मैग्नम में वो एक ही बार में आ जाएगा। और M2 के किस लिए काम होती है? जहाँ पे अपने को सॉफ्ट फिलिंग चाहिए होती है, जैसे पोर्ट्रेट हो गया, आपने कोई स्प्लैश बनाया, आपने कोई इफेक्ट देने की कोशिश की है, सॉफ्ट जिसमें करना हो, इसलिए आपको M2 को यूज करनी है। कि आप यूज हर जगह दूसरे का भी कर सकते हो, पर अगर आप नूब हो तो इस चीज को याद रखिए कि निडल्स के हिसाब, निडल अगर आप टैटू के हिसाब से चूज करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और आप अगर लाइन
इन सब में बकपिन आती है, ये याद रखिएगा, इन सब में लॉन्ग हेडेड शॉर्ट हेडेड आती है, इसमें नॉर्मल स्टैंडर्ड पिन भी आती है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह करने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हो। अगर आपको इस वीडियोस के तहत कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने कोशिश तो की है कि हर चीज कवर हो, पर अगर आपको लगता है कुछ चीज छूटी है तो मैं जरूर उसको कवर करूंगा। थैंक यू। धन्यवाद।